आयुर्वेदा के अनुसार अगर आपकी बॉडी का कफा दोष ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपकी बेली का फैट ज्यादा इंक्रीज होता है और इसका एक मेन रीजन है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। दैट मींस कि आपकी लाइफ में आप बहुत अनहेल्दी चीजों का इंटेक कर रहे हैं। ऐसे चार मैजिकल इंग्रेडिएंट्स आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसका वार्म वाटर मैं भी पी रही हूँ, जो नेक्स्ट 10 डेज तक अगर आप रेगुलर पीना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बेली फैट धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। नंबर 1 इंग्रेडिएंट जो आपको इस वार्म वाटर में लेना है वो है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड इजीली हमारे किचन में अवेलेबल होती है। ये आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और आपके इंसुलिन लेवल को भी मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपको इस वार्म वाटर में लेना है वो है सिनेमन, विच इज दालचीनी। दालचीनी एंटी डायबिटिक होती है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है उसमें। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है तो आपकी बेली से इंच लॉस बहुत फास्ट होता है, तो एक टुकड़ा सिनेमन का आप इस वार्म वाटर में डाल के ले सकते हैं। नंबर 3 इंग्रेडिएंट जो आपको इस वार्म वाटर में डालना है वो है ग्रेटेड जिंजर। जिंजर की प्रॉपर्टी थर्मोजेनिक होती है नेचर में। दैट मींस कि वो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, बॉडी से हीट प्रोड्यूस करता है जिससे कि बेली फैट मेल्ट बहुत क्विकली होता है। 4th एंड मेन इंग्रेडिएंट जो इस वार्म वाटर में आपको लेना है वो है ब्लैक पेपर, विच इज काली मिर्च, विच इज वन ऑफ द ग्रेट सोर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म बूस्टर एंड एक बहुत अच्छा पैसिफायर है फॉर कफा दोष। ये स्टिमुलेट करता है हाइड्रोक्रोनिक एसिड को अराउंड योर स्टमक, जो कि डाइजेशन में तो हेल्प करता ही करता है और बॉडी से टॉक्सिन रिलीज होते हैं एंड स्लो एंड स्टडीली आपका बेली फैट मेल्ट होना शुरू हो जाता है। सो फ्रेंड ट्रस्ट मी, और इस ड्रिंक को एवरी सिंगल मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेना शुरू कर दीजिए। वार्म वाटर में फेनुग्रीक सीड, थोड़ा सा दालचीनी, ग्रेटेड जिंजर थोड़ी सी और एक पीस ब्लैक पेपर का डाल के इसको अच्छी तरह 5-10 मिनट तक बॉईल करके वार्म करके एवरी मॉर्निंग लीजिए। आपको रिजल्ट विद इन 10 डेज दिखने लग जाएंगे। और ऐसी और हेल्थ एंड डाइट टिप्स के लिए हमें प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉर कस्टमाइज डाइट प्लान प्रोग्राम डेफिनेटली व्हाट्सएप मी। थैंक यू वेरी मच।